get a taste. What did you say? I don't mind about my bed, blah, blah, blah. From France, not from from France as well. तो भाइयों और बहनों, welcome to my channel. And अभी हम लोग हैं बीच गांव में, पेट्रोल पंप पे. No. And आपने देखा होगा मैंने अलमाटी से शिमकेंट ओवरनाइट ट्रेन लिया, which cost me around 1200 for 1200 INR. 1100 INR for overnight train journey, sleeper train, but no AC. रात में गर्मी नहीं लगा, thankfully. And उसके बाद मैं यहाँ तक आई. मेरा plan full on hitchhike करने का था, but I met these two French people and इनको hitchhike नहीं करना था. Even though we could have hitchhiked, but we found a really nice ride for super cheap. Like I'll be paying only 1000 tenge because मेरे पास इससे ज़्यादा है ही नहीं. He's our man. ये अपने बेटे के साथ जा रहे हैं ताशकंद. Let's go. Thank you. Guys, अपन बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं. बहुत ही इंजॉयबल, बहुत ही अच्छा जर्नी था. इट वॉज सच अ फन राइड, आई लव्ड इट. काफ़ी लंबा लाइन है यहाँ से टैक्सी का. आई डोंट नो ये लोग उस साइड जा रहे हैं कार से या क्या सीन है, बट अपन तो यहाँ पे उतर चुके हैं और यहाँ से थोड़ा सा वॉक करके अंदर जाना होगा. तो चल के देखते हैं मेरा पहला सेंट्रल एशिया लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग कैसा रहता है. अभी तक का जर्नी तो बहुत ही अच्छा था. लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग शिमकेंट से ताशकंद का काफ़ी इजी है. शिमकेंट रेलवे स्टेशन से आपको बसेस एंड टैक्सीज दोनों मिल जाएगा आराम से. नेगोशिएट कर सकते हो आप इजीली एंड इट कैन कॉस्ट यू अराउंड 500 टू 700 INR. मेरे को तो ज़्यादा चार्जेस मांग रहे थे और मैंने नेगोशिएट किया था तो काफ़ी कम हो गया था, बट इवेंचुअली मैंने हिचहाइकिंग करा. एंड जो भी टैक्सीज हैं वो आपको एकदम बॉर्डर के सामने ड्रॉप करता है एंड 5 मिनट आप वॉक करोगे तो यू विल रीच द इमिग्रेशन प्लेस. पूरा प्रोसेस 5 मिनट का है एंड एकदम ईजिली क्विकली ओवर हो जाता है. दे डिड नॉट आस्क मी फॉर ऑनवर्ड फ्लाइट टिकेट्स या होटल बुकिंग एनीथिंग एज सच. ऑल्दो आई हैड केप्ट इट प्रिपेयर्ड, बट इट वॉज अ वेरी ईजी इमिग्रेशन. भाई और बहनों, हम क्रॉस कर चुके हैं कजाकिस्तान का बॉर्डर और अब हम एंटर कर चुके हैं उज़्बेकिस्तान में. मेरा जो ट्रैवल था, मतलब जो क्रॉसिंग था, काफ़ी स्मूथ था. आई से इट्स वेरी स्मूथ. 5 मिनट का इंटरोगेशन हुआ, जैसा कि आप देख सकते हो लास्ट के कुछ क्लिप्स में, बट इट वाज वेरी स्मूथ. डोंट टेक द कैमरा. ओके. क्विक अपडेट अबाउट माय होल प्रोसेस. तो एज यू कैन सी, मैं कहाँ से कहाँ तक आई. मैं अलमाटी से यहाँ तक, शिमकेंट तक आई थी ट्रेन से. ओवरनाइट जर्नी 1000 रुपये के अराउंड लगा मेरा. शिमकेंट से मैंने, मेरा प्लान था हिचहाइक करने का, बट आई गॉट दीज टू फ्रेंच पीपल एंड इनके साथ मैं ताशकंद बॉर्डर तक, मतलब जो कजाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ तक मैं कार से. वेरी नाइस राइड, वेरी फन. एंड आई पेड 1000 टेंगे, विच इज़ लाइक 1000 टेंगे इज़ डिवाइडेड बाई 5, लाइक
100 rupees something, 100 rupees. मेरा प्लान तो वो भी पे करने का नहीं था, बट आई पेड दैट, तो मेरा उतना करेंसी गया. हेलो. क्यूट. सो 183 rupees देकर मैं आई, विच इज अ गुड डील. यूजुअली पीपल पे. नाइस पीपल. तो 183 rupees देकर मैं ताशकेंत का बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए कजाकिस्तान के बॉर्डर पे आई. कजाकिस्तान से ताशकेंत उज़्बेकिस्तान का जो बॉर्डर क्रॉसिंग था काफ़ी स्मूथ था, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ एक्सेप्ट फॉर फ्यू राउंड्स ऑफ चेकअप. और अब मैं उज़्बेकिस्तान के लैंड बॉर्डर पे खड़ी हूँ. मेरा पहला हेलो. उज़्बेकिस्तान का काफ़ी बढ़िया है, आई लव दिस कंट्री ऑलरेडी. काफ़ी सुपर फ्रेंडली हैं लोग, पुलिस एंड एवरी वन इज सुपर फ्रेंडली. और अभी दो इंटरेस्टिंग चीज़ें, पहला तो जो मेरा बी लाइन है जो मैंने कजाकिस्तान में लिया था वो यहाँ पे अभी भी काम कर रहा है, एंड सेकेंड यहाँ पे बाहर में एक्सचेंज सेंटर्स हैं. तो आई एम थिंकिंग कि मैं $50 यहाँ पे एक्सचेंज कराऊँ या ना कराऊँ, क्योंकि रेट अच्छा दे रहे हैं ये लोग, एंड अपेरेंटली बाहर में एक्सचेंज रेट इतना अच्छा नहीं मिलेगा मेरे को, मिलना भी मुश्किल है क्योंकि सोम करेंसी इज़ नॉट सो गुड. बट पहली बार ऐसा हुआ है कि बॉर्डर के बाहर ही लोग ऐसे खड़े हैं ना पैसा बांटने के लिए. वेरी इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट ऑलरेडी. मेरे को एक पुलिस वाले ने उज़्बेकिस्तान के पुलिस वाले ने बोला कि ये जो ग्रीन बसेज है, ये ग्रीन बसेज 1500 सोम लेती है सिटी सेंटर तक ड्रॉप करने के लिए. 1500 सोम इज अगेन आई थिंक 20-30 rupees, वेरी चीप. आई डोंट इवन नो 1500 सोम कितना हो रहा है. लेट्स सी करेंसी एक्सचेंज में. हाय, ओह माय गॉड. ओके, 10 rupees man. I am going to take the bus 100%. Okay, this kid. ठीक है, करेंसी एक्सचेंज बाहर से कराते हैं और 1500 सोम का लेकर चलते हैं. टू पर लीप ऑफ फेथ एंड आई एम एक्सचेंजिंग माई $50 फॉर लॉट ऑफ मनी. No. They don't want to come in the picture, in the videos. So, yeah. Grand Tower. No? Grand Tower. Yeah. Oh. Yeah. Okay. See you. I hope it's real money. Now I... Okay. No. Thank you. Now I take the bus for the city. Because 10 rupees ka bus hai bhai. 100% bus lenge. Usse pehle kuch thanda paani peene ko lete hain. Dekhte hain. ठंडा पानी. हाउ मच? 300. वेलकम टू उज़्बेकिस्तान गाइज. 20 rupees का पानी का बॉटल, 21 rupees का. आई गिव मामा अब तो उसका क्यों रहा था. 4,000? Okay, okay. Okay. So she says, this one is for 4,000. So, भैया ये करेंसी एक्सचेंज करते करते जान निकल जाएगा मेरा. 4,000. 28 rupees का पानी का बॉटल. बस हुई थी बट मेरे को बस नहीं क्यों इस बच्चे ने ना? ये बच्चा पता नहीं मेरे को कहाँ लेके जा रहा है. हेलो, व्हाट्स अप?
क्या किसी को बुला ढूंढ रहे क्या ये? पता नहीं, ये बस ऐसे पेश कर रहे हैं। ओके ओके, आप ट्रैवल कर रहे हो? हाँ, इंडिया से। हाँ, यू गाइस लिव हियर? नो, वी लिव इन उज़्बेक एक्चुअली। नाउ वी आर, मेरे को ये जगह ऑलरेडी बहुत पसंद है बिकॉज वेरी सुपर फ्रेंडली पीपल, काफ़ी अच्छा एंड वेरी वेलकमिंग, वेरी होमली। से राज कपूर नाम, राज कपूर इनको राज कपूर बहुत पसंद है, तो ये मेरे को राज कपूर के बारे में बता रही है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग बस जर्नी है यार, मतलब अभी मैं बॉर्डर से सिटी की तरफ ही जा रही हूँ एंड मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। I feel very nice. I think Uzbekistan is a must visit. Must. She's from Slovenia and ये Russian इनको आता है तो वो दादी से बात कर रही हैं।